बदले 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 जिंदगी। जैतून टीवी। सबसे बड़ा मसला ये, सबसे बड़ी बुराई, मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों का पानी निकाल रहे हैं। वो दो या तीन बेटियां कितनी थी, दो थी, तीन बेटियां थी, उनका पानी निकाल रहे हैं। तो बेटियां कहती थी चलो अब्बा के पास, हमारी मदद की है। तो मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, अल्लाह से कलाम करते हैं, क्या ईमान होगा मेरा आपका, क्या ईमान, जर्रा भी नहीं उनके सामने। वो कह रहे हैं तीनों लड़कियों से तुम मेरे पीछे चलो, तुम आगे चलोगी और हवा उड़ेगी और तुम्हारी कमीजें, तुम्हारे कपड़े हिलेंगे, मेरी नजर ना पड़ जाए, तुम पीछे चल के रास्ता बताओ। नबी अपनी नजरों की हिफाजत कर रहा, हमें जरूरत नहीं है। नबी अपनी बीवियों से कह रहे हैं, ए मेरी बीवियों सामने वो अब्दुल्ला बिन मखदूम आ रहे हैं, कहे या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है, कहा तुम दोनों नाबीना थोड़ी चलो अंदर चले जाओ। नबी अपनी बीवियों को मना कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं ए नबी की बीवियों जब सहाबा तुम्हारे सामने आए इनको आप इनके सामने मोटी आवाज में बोलना मोटी। आज हमारी लड़कियां कैसे बोलती है, पतली आवाज में हेलो, एक हेलो करके आदमी की खोपड़ी घुमा देती है। मेरे प्यारो क्या निजाम, शोहर आ गया तो सख्त आवाज में बात करें। मैं अक्सर अपने जो अपने महरम लोग औरतों को फोन करता हूँ ना, जो मेरी महरम उनसे कहता हूँ भाई ना महरम मर्द बोल रहा हूँ, जरा मीठी आवाज में बात कर लेना। आज क्या है मेरे प्यारों, ये इतना बड़ा मसला है, लेकिन मेरे प्यारों इसको कंट्रोल करने के लिए ईमानी वोल्टेज बहुत चाहिए। ये है ना, ये लाइट और पंखा यूपीएस से भी चल जाता है, एसी के लिए जनरेटर की बिजली चाहिए, इन नजरों की हिफाजत के लिए ईमान चाहिए। जनरेटर वाला वो तो अंदर आ नहीं रहा, वो ट्रिप कर जाता है बार बार, ट्रिप ट्रिप ट्रिप, बात सुन के क्यों, ईमान की कमजोरी। तो तबलीग में मेरे प्यारों से ईमान बनाने की मेहनत है। वो ईमान बनेगा इस तरह जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया सहाबा का। उसके लिए मेरी सबसे पहले आपसे गुजारिश, हुजूर की मस्जिद में चार हलके लगते थे, ईमान का हलका, ईमान के आमंत बिल्ला, रोजाना अल्लाह को बोला सुना करें। चार रस्तों से कलमा दिल में जाता है, देखो पेट गोली, सर में दर्द है गोली मुंह में डाली, पेट में दर्द है गोली मुंह में गई, घुटनों में दर्द है गोली मुंह में गई। जब ईमान कलमा ला इला इल्लल्लाह, देखो गोली की ताकत बंदूक में जाहिर होती है हाथ में नहीं, शेर की ताकत पिंजरे में नहीं जंगल में जाहिर होती है, कलमा ला इला इल्लल्लाह की ताकत इंसान के दिल में जाहिर होती है। जिस दिन ये कलमा चार रस्तों से जाता है, जो आप सुन रहे हो यहां से दिल में उतरता है, लेकिन ये दवाई रोज खानी पड़ती है। ये बताओ कोई ऐसी दवाई है जो रोज खाए बगैर शिफा दे दे, कि महीने बाद एक खाते, इससे नहीं होगा कुछ, जितने मर्जी बयान करा लो। गोली को रोज खाना है, रोजाना बल्ले पे गेंद मारना, तब आदमी खिलाड़ी बनता है। तो ये मेरे प्यारो ला इला इल्लल्लाह की गोली, कि सारी मखलूक अल्लाह की मोहताज, अल्लाह अपने करने में किसी का मोहताज नहीं। इस गोली को कान से भी डालना है, इस गोली को मैं बोल रहा हूँ उस तरह भी डालना है, इस गोली को इन आंखों से कायनात में गौर करना है, इसके बारे में सोचना है। जब ये कलमा ला इला इल्लल्लाह दिल में उतरेगा तो अल्लाह पूरी जिंदगी को मोहम्मद रसूलुल्लाह से भर देगा। अब ला इला इल्लल्लाह की डिमांड है आमंतु बिल्लाह, वो मलाइका फरिश्तों के तस्करे करें, रसूलों की बातें करें कि कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में अल्लाह ने पाला। और कुरान के तस्कर की आखिरी गुजारिश है कि हर घर में हमारी बहनें मस्जिद बनाएं, और ये जितने मर्द हैं ये रोजा हल्का, अपनी नमाजों को ठीक करने का हल्का, अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक को कुरान की तिलावत और जिक्र के साथ ठीक करने का हल्का, और खिदमत का हल्का। ये चार हल्कों से मस्जिद नबी आबाद थी, अल्लाह ने मस्जिद नबी को, हदीस में आता है जिस बस्ती में ऐसे लोग होते हैं जो मस्जिद को आबाद करने की मेहनत करते हैं, अल्लाह इस बस्ती पे अजाब कभी नहीं भेजता। जैतून।